एक नुक्ता ये मालूम हुआ कि हसद एक ऐसी बीमारी है कि उसका जरर हासिद के ऊपर तो होता ही है, हसद से हासिद का नुकसान तो होता ही है, कभी कभी जिससे हसद करता है महसूद को भी नुकसान पहुंच जाता है। ये नुक्ता याद रखिए। अब बताइए कि एक आदमी को मैं नहीं जानता, वो मुझसे हसद करता है, ये इतनी बुरी बीमारी है कि हसद वो करता है बिना वजह नुकसान मुझे पहुंच रहा है, ये इतनी खतरनाक बीमारी है जाने में अनजाने में। इसी वजह से मुअव्वज़तैन में एक मुअव्वज़ को हसद के ऊपर खत्म किया गया है। कुल औज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक मिन शर्रि गासिक इज़ा वक़ब मिन शर्रि नफ्फाथात फिल उक़द मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। हसद के ऊपर खत्म है। और हसद को बयान करने के पहले कह दिया गया कि ऐ हमारे हबीब ये रब्बे फलक से पनाह चाह लो, अगर अल्लाह की पनाह न मिले तो हसद इतनी खतरनाक चीज है, इतनी खतरनाक बीमारी है कि हासिद भी परेशान हो जाता है और जिससे हसद किया जाता है वो भी परेशानी में मुब्तला हो जाता है। अब बताइए हजरत यूसुफ को मालूम नहीं कि मेरे भाई मुझसे हसद कर रहे हैं, नुकसान दोनों का हुआ, हासिद का भी महसूद का भी। एक आदमी जिससे हसद किया जा रहा है अपने बाप से जुदा हो गया, तरह तरह की तकलीफों में मुब्तला हुआ जैसा कि हम आगे बयान करेंगे, और ये हासिद ये भाई ये भी अपने हसद की वजह से इंतहाई जलील ख्वार हुए। तो हसद एक ऐसी बीमारी है कि हासिद को उसका नुकसान पहुंचता ही है, महसूद को भी उसका नुकसान पहुंचता है, और ये इतनी खराब बीमारी है कि अगर अल्लाह पनाह न दे तो हासिद और महसूद दोनों इस हसद की आग में और इस मामले हसद की आग में जलकर राख हो जाए। इसी हसद की वजह से इबलीस को आसमान से जमीन की तरफ फेंक दिया गया, बुलंदी से पस्ती की तरफ फेंक दिया गया। खतरनाक मरज है। लिहाजा अपने दिलों को हसद से कीने से पाक रखो। किसी शायर ने बहुत अच्छा कहा है कि इंसान को इंसान से कीना नहीं अच्छा, इंसान को इंसान से कीना नहीं अच्छा, जिस सीने में कीना हो वो सीना नहीं अच्छा।